नमस्ते, ओम साई राम। सभी साई बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी कुमारी साई गीता चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। मैं हमेशा हर एक वीडियो में थोड़े थोड़े करके साई बाबा के अमृतवाणी जो बुक है ना, उसमें से बाबा के महावाक्य जो है, वाणी वचन जो है बाबा के, वो मैं शेयर करती जा रही हूँ। आज भी मैं और कुछ आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। मैं अभी पढ़ के बताऊंगी। ये साई की अमृतवाणी में से ही मैं बता रही हूँ हमेशा पिछले एपिसोड्स में। तो फिर आज इसमें ये साई बाबा की अमृतवाणी में ही जो पार्वती कुमार जी को बाबा ने जो बताया था, उन्हें तो वो लिखे है 161, उसमें से एक है ये वाला जो है, ये वचन नानावली जी का कहा हुआ है भविष्यवाणी। उन्हें ऐसा बता रहे, साई बाबा के सानिध्य के कारण शिरडी एक पुण्य क्षेत्र है, ऐसा बोल रहे उन्हें। बाबा पत्थर रूपी मानव के समूह में हीरे के समान महात्मा है। उनका निराडंबर रूप भ्रमित करने वाली परत है। अहंकारी लोगों को दूर रखना उनकी एक प्रक्रिया है। सिर्फ अपने सानिध्य मात्र से बाबा जीवों को और प्रदेशों को पवित्र कर सकते हैं। इनकी महानता और पवित्रता भविष्य काल में उजाले में आएगी। इस समय वे सभी के लिए एक फकीर हैं। ये नानावली ने बताए थे। अभी तो वही हुआ ना, कीड़े मकोड़े के जैसे आते रहते रहेंगे। अभी तो उनकी महानता हर एक को, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, देश विदेश में भी इतना वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए बाबा। इतने लोग आ रहे, इतना ये हुआ, वही इसमें बताए थे। उनकी महानता और पवित्रता भविष्य काल में उजाले में आएगी, ऐसा कह रहे थे। नेक्स्ट वाला बागवानी, बाबा का वचन है। बागवानी एक पवित्र यज्ञ है। मन सुकोमल करने के लिए, उसकी कठोरता कम करने के लिए पौधे लगाना एक अच्छा कार्य है। फल फूल के वृक्ष लगाने से, साग सब्जी उगाने से वह कोमलता प्रदान करते हैं। इन्हें तुम जितने प्यार और कोमलता के साथ पालोगे, तुम्हारा मन उतना ही कोमल होगा। विकसित होते फूल और एक अच्छे फल की तरह तुम्हारा मन और जीवन फूलेगा। वे लोग अपने जीवन में कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते जो पौधे को अच्छी तरह नहीं पाल सकते। जीवन रूपी बगीचे को अच्छे से संवारने के लिए बागवानी एक अच्छी साधना है। अपने जीवन को जंगल के समान कर व्यर्थ करने की बजाय उसे एक सुंदर बगीचे की तरह बनाओ। कितना अच्छा बताया, देखिए बाबा भी ऐसे करते थे ना, लिंडी बाग, इतने सारे पेड़ पौधे। नेक्स्ट तपन, नेक्स्ट वाला वचन है तपन, उसका हेडिंग है तपन। आलस्य और लापरवाही को कभी भी पास मत आने देना, ये तुम्हारे मरण के मार्गदर्शक हैं। जिस तरह खोए हुए बेटे को पिता निरंतर खोजता है, पत्नी के वियोग में पति उसके लिए ही विलाप करता है, उसी प्रकार तुम भी निरंतर मन की गहराइयों से आत्मावलोचन करोगे तो मृत्यु को पार करोगे। यही तपन है, यही तपन तपस्या है, ऐसा कहे बाबा। नेक्स्ट वाला भिक्षा भीख, उसका हेडिंग है नेक्स्ट वचन का भिक्षा भीख। भिक्षाटन हर किसी का अधिकार नहीं है, उसके लिए विशिष्टता होनी चाहिए। बेसहारा गरीब, जिसमें धन की आशा न हो, कीर्ति की अपेक्षा न करने वाला अकेला व्यक्ति ही भिक्षाटन के काबिल है। इस प्रकार भिखारी भिक्षाटन द्वारा भिक्षा देने वाले की सीमाएं भी तोड़ सकता है। दूसरों के श्रेय के लिए भिक्षाटन करने वाला ही सच्चा भिखारी है, ना कि अपने लिए मांगने वाला। इस तरह के लोग गृहस्थ धनवानों में भी रहते हैं। मेरा भिक्षाटन तुम्हारे श्रेयस्य के लिए है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति मार्ग है। बाबा ये बता रहे एलिजिबिलिटी फॉर भिक्षा मांगना, उसके बारे में बताए थे बाबा।
अभी नेक्स्ट है प्रसाद वितरण। नेक्स्ट वचन है प्रसाद वितरण। तुम मुझे प्रसाद किस लिए चढ़ाते हो तुम्हें पता नहीं। सभी जीवों का भूखा पेट मेरा ही है। उनका निराकार कर मुझे प्रसाद चढ़ाने वाले आडंबरी हैं। उनका प्रसाद मुझे स्वीकार नहीं है। इतना अच्छा बता रहे थे बाबा, सब जीव जंतुओं को समान एक ही समान देखते थे। इसीलिए बाबा जो बोल रहे हम भी ऐसा ही ट्रीट कर, हमें भी ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए। सभी जीवों को भूखा पेट रख के उनको प्रसाद चढ़ाने से स्वीकार नहीं है बोल रहे बाबा। मेरे अनेक रूप हैं, श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण कर किसी भी भूखे जीव को आहार देने से वह मुझ तक पहुंचता है। मैं तुम्हारे श्रद्धा के साथ स्मरण के कारण तुम्हारा प्रसाद सीधा ग्रहण कर सकता हूँ। मेरा स्मरण कर अगर आप श्रद्धा के साथ किसी भी जीव को चाहे वो कुत्ता हो या फिर कौवा खिलाएंगे तो वह मुझे ही मिलेगा। मेरा स्मरण कर एक पौधे को पानी दोगे तो उससे मेरी प्यास बुझेगी। अपने मन में तुमने जो मेरी एक तस्वीर बनाकर रखी है अगर तुम उसमें से बाहर नहीं आ सकते तो तुम रूढ़िवादी हो जाओगे। अगर मैं सभी रूपों में संपादित हो सकता हूँ तुम उसका निराकरण कैसे कर सकते हो। तुम्हारे आसपास के सभी रूपों में मैं ही हूँ, इसलिए मेरा स्मरण करते हुए सभी का आदर करो, यह आदर मुझे ही मिलेगा। इतना अच्छा बता रहे हैं देखिए बाबा। सभी प्राणियों में, पहले भी वचन में हम पढ़ चुके हैं ना, हर एक प्राणी में बाबा बाबा ही रहते हैं बाबा। इसीलिए मेरा स्मरण करते हुए सभी का आदर करो, यह आदर मुझे ही मिलेगा, वही बता रहे बाबा। नेक्स्ट वचन का हेडिंग है सलाह। जाति कुल मत वर्गभेद में जीने वाले मूर्ख और अज्ञानी हैं। इन सभी में एक ही अंतर्मुखी सत्य को जानने वाला ज्ञानी है। सत्य में ही सभी मत एक मत हैं। किसी भी मत से संबंधित होने पर तुम त्रिकरण शुद्धि के साथ सत्य का अनुसरण करो। सत्य के मार्ग पर ही चलकर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यांत्रिक रूप से आराधना करने से कोई लाभ नहीं है। इसके भाव भाषा और कार्य रूप में सत्य गोचर होना चाहिए। जीवों के प्रति मैत्री भाव और करुणा भाव रखो। वाद विवाद और झगड़े द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा तुम्हारी अस्वस्थता के कारण है। निर्मल मन से अपने कर्तव्य में मेरे दर्शन करने से तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। किसी भी कार्य के परिणाम की आशा तुम मुझे समर्पित करो, यह मेरी सलाह है। किसी भी कार्य के परिणाम की आशा तुम मुझे समर्पित करो, यह मेरी सलाह है। इतना अच्छा बता रहे, देखे एक एक एस्पेक्ट हमारे डेली लाइफ में, हमारे बिहेवियर, हम कैसा रहना कैसा करना सब बता रहे बाबा। दिव्य शक्ति, नेक्स्ट वाला हेडिंग है, वचन का हेडिंग है दिव्य शक्ति। निर्मलता श्रद्धा महात्माओं के सहज लक्षण है। उनकी भाषा या हाव भाव द्वारा अगाध शांति का प्रसार होता है, न कि उसकी आडंबर का। महात्माओं का व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बताने का स्वभाव नहीं होता। उनके विचार में उनमें वे स्वयं नहीं अपितु भगवान परिपूर्ण रूप से विराजित हैं और वही प्रकट हो रहे हैं। वे राजा के समान गंभीर रूप धारण कर प्रजा में घूमते हैं और दिव्य शक्ति उनके इशारे पर कार्य करती है। दिव्य शक्ति के बारे में बाबा ने ऐसे बताया। और एक वचन है सच्चे मित्र। नेक्स्ट वाला वचन सच्चे मित्र। सत्य ही शिव है, अर्थात अत्यंत शुभ। सच्च से शिव ही सुंदर है। श्री राम श्री कृष्ण के समान सुंदर अवतार अभी तक फिर दोबारा नहीं आए।
उनकी जीवन शैली हमें रामचरित रामायण और कृष्णचरित भागवत के रूप में प्रसादित है। इन ग्रंथों में सत्य शुभ और सुंदर रूप में उपलब्ध हैं। तुम शुभ और सुंदर देवता को पाना चाहते हो, बाबा पूछ रहे हैं, तुम शुभ और सुंदर देवता को पाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो रामायण और भागवत का श्रद्धा के साथ पठन करो। उनका महत्व तुम्हें महात्मा के रूप में बदल सकती है। उनका पारायण तुम्हें सीधे दैव सानिध्य प्रदान कर सकती है। हमारे पवित्र ग्रंथों से बढ़कर सच्चे मित्र नहीं है। फाइनली बाबा का कंक्लूजन यही है, रामायण और महाभारत भागवत पढ़ने को बता रहे और वही बता रहे कि हमारे पवित्र ग्रंथों से बढ़कर अच्छे मित्र नहीं है। वही ऑलवेज पीपल से बुक्स आर गुड फ्रेंड्स, स्पेशली ऐसे बुक्स बाबा जी ने जो सजेस्ट किए हैं वो तो इतना मैंने हमें बहुत अच्छा करता, बहुत सुकून देता, बहुत कुछ नॉलेज मिलता, बहुत कुछ जानकारी होता। वही बता रहे ना, उनका महत्व तुम्हें महात्मा के रूप में बदल सकती है। उनका पारायण तुम्हें सीधे दैव सानिध्य प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए बाबा बोल रहे वो हमारे सच्चे मित्र हैं। तो फिर बहुत लेंदी हो जाता, मैं यहाँ कंक्लूड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा साईं बाबा के अमृतवाणी में से बाबा के वचन डायरेक्टली बाबा ने आके बताए थे ये वचन, हमें हम कितना ब्लेस्ड हैं, हमें ये सब सुनने को मिल रहे, पढ़ ज्ञात हो रहा है इसका, इसलिए भाग्यवान है हम सभी। बाबा का ब्लेसिंग हमारे सबके ऊपर है, ऐसा ही बना रहेगा हमेशा। मैं यह कंक्लूड कर रही हूँ। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।